हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल भावना टेलीकॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बिजली के बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा एक ये 5 पिन सॉकेट है, ये 2 पिन सॉकेट है, एक ये 2 पिन सॉकेट है, एक ये 2 पिन सॉकेट है, मतलब 3 2 पिन सॉकेट है, एक 5 पिन सॉकेट है, एक ये होल्डर लगा हुआ है। सबसे पहले हम एक ब्लैक वायर लेते हैं काले कलर की, और इसको हम इस न्यूट्रल को सारे स्विच और 5 पिन स्विच में एक इसमें लगाकर बाहर निकाल देते हैं। आइए हम लगाते हैं पहले न्यूट्रल का वायर। दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल का वायर ये लग गया। देखो, इसमें सारे में होकर के एक हमने बाहर निकाल दिया, ये न्यूट्रल का वायर हो गया। इसके बाद हम लेते हैं एक पीला वायर, रेड हो या ग्रीन हो, ग्रीन हमारे पास है, हमने एक ले लिया ग्रीन वायर। ग्रीन वायर लेकर ये देखो दोस्तों, हमने फेस की वायर दे दी, ये न्यूट्रल की थी और ये हम फेस की वायर दे रहे हैं। फेस की वायर 1 2 3 4, ये 4 हमारी चटकनी है। ये जो चटकनी है, इनके ऊपर वाले टर्मिनल से हमने चारों को कनेक्ट किया। कनेक्ट करके ये हमारा इंडिकेटर लगवा, इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए होते हैं, तो ये हमारा इंडिकेटर है। इसमें देखो, न्यूट्रल भी लगा हुआ है, ये अर्थ भी लगा हुआ, फेस भी लगा हुआ है। इसे हम दोनों को बाहर निकालते हैं। अब हमारे बच्चे हैं, ये देखो 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन नहीं हुआ अभी, और इसमें भी नहीं हुआ है, और इसे 2 पिन दोनों खाली हैं, और नीचे के हमारे टर्मिनल जो हैं ये चटकनी के 1 1 2 3 4, चारों टर्मिनल ये खाली हैं। तो हम इनको टर्मिनल को, ये चारों चटकनी से चारों स्विचों को कनेक्शन दे रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे देते हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा बोर्ड बन के तैयार हो गया है। इससे देखो, हम बड़े आसानी से जो चटकनी के जो टर्मिनल थे, ये देखो इस चटकनी से हमने ये और ये स्विच बंद किया हुआ, देखो इस चटकनी से ये और ये स्विच हमने बंद किया। इसके बाद हमें 2 नंबर चटकनी है, इससे सीधे वायर हमने देख करके होल्डर के एक टर्मिनल पे लगाया है, तो ये इस वाली चटकनी से ये होल्डर बंद हो जाएगा। सीधे देखने पर मतलब इस इधर से ये 2 नंबर चटकनी से हमारा होल्डर बंद हो जाएगा। इसके बाद देखो, हमारे पास ये चटकनी बची है, एक ही है। इस वाली चटकनी से हमने ये और ये बंद कर दिया है। हमारा एक टर्मिनल किसी पंखे का या जिसे कोई बल्ब का एलईडी का कनेक्शन होता है वायर, वो कनेक्शन के लिए हमने स्विच छोड़ दिया है। अगर हम चाहते तो इस चटकनी से इसको अकेले मतलब सिंगल स्विच को दे देते, इसका कनेक्शन इसमें नहीं देते, हमने इसमें भी दे दिया है एक चटकनी से 2 कनेक्शन, तो इसी वजह से एक चटकनी हमारी खाली है। इस खाली वाले स्विच को हम पंखे या एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा बोर्ड बना है, सही है या गलत। अब इसे हम लाइट देते हैं सबसे पहले, और लाइट का काम करें तो लाइट काट के ही करें लाइट का काम। दोस्तों, हमने इसमें लाइट का कनेक्शन दे दिया है, देखो हमारा इंडिकेटर भी जल रहा है सही से। हम इसे चेक करते हैं, ये देखो ग्लू करने लगा है, जलता है ना ये। इसके बाद हम अपने 5 पिन सॉकेट को लगा कर चेक कर लेते हैं। ये हमने DTH बॉक्स लगा दिया है, देखते हैं चलता है। देखो चलने लगा, ये बंद होकर एक बार चलता है। ये देखो हमारा 5 पिन सॉकेट भी सही है। ऐसे करके हमारे सारे स्विच सही हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बोर्ड पड़ा है, ख़राब हो जाता है, तो उसे सारा हटा करके नए तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। चटकनी और ये 5 पिन सॉकेट 2 पिन सॉकेट मार्केट में उपलब्ध हैं, किसी भी दुकान पर लेकर के आप घर में काम कर सकते हैं। लाइट हटा कर ही करें काम, लाइट चालू में ना करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा हर वीडियो आने तक आपके पास पहुंच जाए। ये देखो सब कंप्लीट है। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करते रहें, क्योंकि हमारी हर वीडियो अब तक पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों।